पुराण में महादेव के दो रूप बताए गए हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक रूप है। आंतरिक रूप निपुण निरंकार सच्चिदानंद व्यापक शिव है और बाहरी रूप महादेव भगवान शंकर का। इसमें विशाल शरीर, गले में सर्प, लंबी जटाएं, हाथ में त्रिशूल है। महादेव मृग चर्म पर बैठकर नित्य समाधिस्थ रहते हैं। पुराण में महादेव की एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। एक दिन ब्रह्मा जी ने मन में आया, मेरा पिता कौन है यह जानने के लिए जिस कमल पर स्वयं बैठे हुए थे उसी कमल की डंडी में घुस गए। उस डंडी में चलते गए मगर कोई समय नहीं आया। तब उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना में इतने लीन हो गए कि विष्णु जी सामने आकर खड़े हो गए। विष्णु जी ने कहा, तुम मेरी नाभि से जन्मे हो। ब्रह्मा जी बोले, अगर मैं आप से जन्मा हूँ तो